तो दोस्तों आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताएंगे कि 100 केवीए से ऊपर के जब हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं और वोल्ट कम की जब हमें समस्या आती है या ओवर की जब ओवर वोल्टेज की समस्या आती है तो उसे हम कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह के ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर होते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि इसके स्टेप हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या हमें मोस्टली बरसात और गर्मियों के टाइम पर आती रहती है। गर्मी में जब ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये हमारी VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, पहले हम इसे ऑफ करेंगे और इसके स्टेप चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे। ट्रांसफार्मर कई तरह के हो सकते हैं, वो आकार शेप में थोड़े अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मेथड सब में वही दिया रहता है, थोड़ा अलग टाइप का रहता है लेकिन तरीका सबका ऐसा ही रहता है। चीज़ें थोड़ी अलग अलग साइज की शेप की रह सकती है। तो ये 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो क्रोमटन ग्रेव्स का हमारे पास में ट्रांसफार्मर है। तो ये हमें जो कैप दिखाई दे रही है, हमें जस्ट इस लोक को हमें नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मार्क होता है। तो हमें इसे जस्ट थोड़ा सा इसको खोल के घुमा के इस कटोरी को फिर हाथ से ही हम खोल लेते हैं इस कैप को। कटोरी हम देसी भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये कैप है। तो इसको थोड़ा सा इधर घुमाओ, फिर वापस उसको खोल दो हल्का सा, ये इधर उधर घुमा के ये लूज हो जाएगी और इसको फिर वापस खोल देते हैं हम। तो इसको खोलने के बाद में हमें स्टेप चेंज करने के लिए ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा। यहाँ से हम इसमें ज़्यादा ताकत ऐसे ना लगाएं कि यहीं से हम स्टेप चेंज कर लेंगे, ये स्टेप चेंज करने का नहीं है। तो इस कैप को खोलने के बाद में हम इसमें अंदर देखेंगे कि हमें स्टेप चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हमें ये लाल वाला जो हमें नट दिखाई दे रहा है, हम इसको घुमा के, और जो मार्क का निशान वैसे तो हमसे वो टूट गया है, लेकिन उसकी तरफ ही ये नंबर्स दिखाई देंगे तभी जाके वो स्टेप सही माना जाएगा। तो अभी 3 नंबर हमारे पास में दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 4 करके देखते हैं और फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएं और 4 नंबर पे इसको कर दे। इसको ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, तो जितने इसके स्टेप बढ़ते चले जाएंगे वोल्टेज उतने ज़्यादा होते चले जाएंगे। एक पे हमें लगभग 10 वोल्टेज एक स्टेप पे अप मिल जाता है लगभग, थोड़ा ये वेरिएशन हो सकता है इसमें 1-2 वोल्टेज का, लेकिन 10 वोल्टेज का हमने इसमें देखा है कि हमें मिल रहा है। तो अभी हमारे पास में 380 तक हो गए हैं, 368 हमें मिल रहे थे, तो 10-12 वोल्टेज हमें इससे बढ़ गए हैं। तो अभी हम इसमें इसको हम 400 तक वोल्टेज करना चाह रहे हैं, तो हम इसको 6 नंबर पे करेंगे, क्योंकि हमें लगभग 10 का एवरेज इसमें मिला है, तो हम इसको 6 नंबर पे करेंगे तब हमें, क्योंकि इसको 2 स्टेप बढ़ाएंगे तो हमें 400 वोल्टेज हमारे पूरे हो जाएंगे। तो अब हम इसके कैप को लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली है कि हमें 10-12 वोल्टेज एक स्टेप में मिले हैं, तो हमारे 400 वोल्टेज अब पूरे हो जाएंगे। तो अब मल्टीमीटर से हम देख सकते हैं कि अभी हमारे फेस के वोल्टेज कितने हो रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें, तो फेस के वोल्टेज हमें 402 403 तक मिल गए हैं, तो इतना हमें अपनी मशीनरी चलाने के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा की हम कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो जब कभी वोल्टेज ज़्यादा आएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम VCB को ऑन करेंगे। अभी देखो हम ऑन ऑफ करके आपको दिखाते हैं, ये इस टाइम पे ये ऑन है, अभी हमने ऑन कर दी थी ये, तो ये लाल इंडिकेटर CB ऑन का इसमें जला रहेगा। तो इसको ऑफ करना बड़ा आसान है, इसको जस्ट हम ट्रिप करा देते हैं और इंडिकेटर इसका ट्रिप का, जब हम मैन्युअली ट्रिप कर देंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये इंडिकेटर ट्रिप का नहीं जलेगा, क्योंकि ये अपने आप ट्रिप होती है तब वो इंडिकेटर ट्रिप का जलता है। तो अभी हमने ट्रिप करा दिए, तो इसमें कोई इंडिकेटर ट्रिप का नहीं आया है, लेकिन CB ऑफ होते ही तो ये ऑफ हो जाता है। कुछ ट्रांसफार्मर इस तरह के भी होते हैं, हम आपको इसके बारे में भी बता दें कि इस तरह के स्टेप चेंज करने का ऑप्शन, जैसे उसमें तो हमें कैप में मिला है, तो इसमें थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। ये हमारा आउटपुट है इसका, यहाँ पे जो हमें 4 पत्ती ये दिखाई दे गई हैं और एक न्यूट्रल को अर्थ करने के लिए अलग से लगा हुआ है, तो ये इसकी आउटपुट है। और यहाँ पर ये जहाँ इंसुलेटर लगे हुए हैं ये इसकी इनपुट है, यहाँ पर हम HT की वोल्टेज देते हैं और LT हमें वहाँ से मिल जाती है। तो ये इसके स्टेप चेंज करने का मेथड है, यहाँ पे ये अलग टाइप का दिया गया है और इसमें हमें कोई कैप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट इस पिन को थोड़ा सा अपनी तरफ प्रेस करें, क्योंकि अभी तो इसमें थोड़ा जंग लगा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपनी तरफ करते हैं तो स्प्रिंग इसमें अंदर रहता है और वो इसमें इसका जो होल है उसमें ये अटक जाता है और वहीं पर स्टेप एक पूरा हो जाता है। तो इसको कम या ज़्यादा हम ऐसे घुमा के कर लेते हैं और पिन को इस होल में सेट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेप इसका कम्प्लीट हो जाता है। तो इस तरह तो VCB के ऑन ऑफ के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसको जस्ट ट्रिप की तरफ हम करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी
और इसका इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो इसका लाल इंडिकेटर सीबी वाला जब ऑफ हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगी। और इसको ऑन करना भी उतना ही आसान है, इसमें ऑन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें जस्ट इसको क्लॉकवाइज घुमा देना होता है। तो जैसे हम इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे और ये सीबी ऑन का जो इंडिकेटर वो ऑन हो जाएगा, तो ये वीसीबी हमारी ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़ी हुई, मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।